हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन के कुछ ऐसे सीक्रेट हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो गाइस आप सभी को पता होने चाहिए। अपने आईफोन में आप सभी ये हिडन फीचर्स को जाना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस, अगर आप अपने आईफोन में स्नैपचैट को यूज़ करते हो, बहुत से सीक्रेट हिडन फीचर्स आपको छिपे पड़े हैं आपके स्नैपचैट एप्लीकेशन में। आप सभी को ज़रूर पता होने चाहिए अपनी स्नैपचैट एप्लीकेशन के इस सीक्रेट हिडन फीचर्स के बारे में। तो चलिए ओपन करते हैं इस स्नैपचैट एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने आईफोन में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप अपने आईफोन में स्नैपचैट में आपको स्लो मोशन वीडियो आपको बनानी हो, तो वो आप कैसे बना सकते हो अपने किसी भी स्नैपचैट अकाउंट में, किसी भी आईफोन में, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, चाहे आप एक आईफोन यूज़र हो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप सभी यहां पर चेक कर सकते हैं, मैंने एक छोटी सी वीडियो यहां पर रिकॉर्ड कर ली है अपनी स्नैपचैट एप्लीकेशन में। सबसे पहले यहां पर आपको स्वाइप करना है, अपने राइट साइड टू लेफ्ट साइड आपने स्वाइप करना है ऐसे। तो फिर से आपने स्वाइप करना है, एक बार फिर से आपने स्वाइप करना है, और फिर से आपने एक बार स्वाइप करना है ऐसे। आप जब आप 5 बार आप स्वाइप कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 5वीं बार आपको यहाँ पर एक फिल्टर आपको दिखाई देगा, जो कि एक स्लो मोशन का फिल्टर है, जिसको आप यूज करके आप अपनी स्नैपचैट में स्लो मोशन वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो ये मेरी वीडियो नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैं इस फिल्टर को अप्लाई करता हूँ अपने वीडियो में, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वीडियो मेरी एक स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो आपको यहाँ पर फिर से स्वाइप करना है और आपकी वीडियो एकदम से फास्ट हो जाएगी। सो गाइस, इस फिल्टर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप अपने आईफोन में स्नैपचैट को यूज़ करते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्टर है, जिसका यूज़ करके आप सभी स्लो मोशन वीडियोस आप शूट कर पाएंगे अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में, किसी भी आईफोन में। सो गाइस, अब बात करेंगे हम अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे हम ब्लर कर सकते हैं किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड को। तो गाइस, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहां पर शूट करके रखी हुई है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ वो वीडियो कौन सी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यहाँ पर फोकस यहाँ पर आपके फ्लावर के ऊपर है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर हो चुकी है ऑटोमेटिकली। ये मैंने एक स्नैपचैट एप्लीकेशन में ही शूट कर रखी है। अभी मैंने ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है, मैंने छोटी सी वीडियो शूट की थी अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज करके। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने ब्लर की रेशियो बिल्कुल बढ़िया है, जैसे कि आईफोन 13 में ये वीडियो शूट की गई हो। सो गाइस, आपको इस फिल्टर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कैसे हम अपनी स्लो मोशन या अपनी ब्लर कैसे कर सकते हैं वीडियो के बैकग्राउंड को अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में, वो भी सिंगल कैमरा आईफोन में। तो ये मेरे पास आईफोन 7 है। सबसे पहले हमें बात करेंगे कैसे हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एरो की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, तो इसको आपने डाउन करना है। यहाँ पर आपको फोकस की एक ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर आपने टैप करना है। तो जैसे ही आप सभी यहाँ पर टैप करते हो, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अपनी वीडियो की बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि मूव क्लोजर और फाइंड द फेस की ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो ताकि ये जो आपकी फिल्टर है आपका फोकस का, वो आपका फेस डिटेक्ट कर सके और आपकी वीडियो में ब्लर अप्लाई हो जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फोकस दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये फिल्टर इतना बढ़िया कि आप अपने आईफोन 13 जैसी वीडियोस शूट कर सकते हो अपनी स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज़ करके सिंपली। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपकी ब्लर हो जाएगी आपकी किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड आपकी स्नैपचैट एप्लीकेशन में। सो गाइस, ये थे अपने स्नैपचैट के कुछ ऐसे सीक्रेट हिडन फीचर्स जो आप सभी को अपने आईफोन में या एंड्रॉयड फोन में जरूर यूज़ करने चाहिए। बहुत ही बढ़िया फोटोज और वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, जैसे कि आईफोन 13 ब्लर बैकग्राउंड करके वीडियो को रिकॉर्ड करता है सिनेमैटिक मोड में। तो आपको इसका जरूर यूज़ करना चाहिए स्नैपचैट एप्लीकेशन का अपने आईफोन में। सो गाइस, अब बात करेंगे हम अपने फ्लैश लाइट के कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी आईफोन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फ्लैश लाइट एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यह है एप्लीकेशन। तो आप सभी इसका आईकॉन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं,
इसका आइकॉन कुछ यहाँ पर फ्लैश लाइट जैसा है और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा जिसको आपने सिंपली स्क्रीनशॉट कर लेना है। इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करके रखें अपने आईफोन में। तो चलिए ओपन करते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं येलो येलो कलर की आपको फ्लैश लाइट मेरे कवर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसको आपने सिंपली ऑफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है। इस एप्लीकेशन में आपको येलो कलर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैंने इसे येलो के ऊपर सेट किया हुआ है। जो आप कोई भी और कलर सेट करोगे तो आपकी बैकग्राउंड भी वही कलर की हो जाएगी। तो मैंने सिंपली यहाँ पर येलो कलर ही मैंने यहाँ पर चूज कर रखा है। तो सिंपली मैंने अपनी फ्लैश को ऑन किया और आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी फ्लैश को। जब मैं इसे डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका कलर डिम हो चुका है और ये रेडिश कलर यहाँ पर शो कर रही है मेरी फ्लैश। तो जब भी मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर आपको डार्क येलो कलर की फ्लैश यहाँ पर आपको ऑन होती हुई दिखाई देगी, जगती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैसे आप इसको डिम करते हो तो इसका कलर कुछ और हो जाता है, जब आप इसे बढ़ा देते हो तो इसका कलर कुछ और हो जाता है, डार्क हो जाता है और आपके फ़ोन के कवर में से भी ये लाइट निकल कर आएगी। येलोइश कलर की ये लाइट आपको आपके कवर में से निकल कर आएगी अगर आपने ट्रांसपेरेंट कवर अपने आईफोन के ऊपर अप्लाई कर रखा है। सो गाइज ये थे आज की वीडियो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें और साथ में दे के बैल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।